दिस गाय एंड्रू एंजे करीबन 5 महीने पहले ही वॉज इन इंडिया टू मीट अवर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड डिस्कशन का जो पॉइंट था वो यही था कि इंडिया किस तरीके से एआई को यूज कर सकता है यहाँ की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए या फिर जीडीपी को इम्प्रूव करने के लिए या अदर एरियाज में एजुकेशन में हेल्थ केयर में किस तरीके से यूज कर सकते हैं. ही वॉज हेयर इन इंडिया, वो मोदी से मिले थे तो इस तरीके की थी. एंड दिस दिस लास्ट गाय इन दिस पिक्चर इज योशुआ बेंजियो. आप सर्च करो, इनकी बहुत सारी पॉपुलर बुक्स हैं योशुआ बेंजियो की, पैटर्न मैचिंग के ऊपर मिलेंगी आपको और यू नो अदर चीजों के बारे में भी होंगी. आप तो एकेडमिक सेक्शन से बिलोंग करते हैं सभी लोग, आई एम श्योर कि आप लोगों ने नाम सुना होगा. एंड योशुआ बेंजियो इज वेरी मच वर्क्स इन एकेडमिक सेक्शन ऑनली. वो सिर्फ एकेडमिक्स में ही काम करते हैं. ही इज नॉट वेरी मच इनटू एनी एंटरप्राइज और कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट. एंड जनरली इज हैप्पी विद द टीचिंग एंड एकेडमिक्स एंड रिसर्च एंड ओनली, बट बहुत सारी बुक्स लिखते हैं. बाकी 3 लोग तो इंडस्ट्री में इक्वली उनका फुटप्रिंट इक्वली है एकेडमिक्स में और इंडस्ट्री में. सो इस तरीके का यहाँ पे ये एक कहानी हमारी बनी है. जस्ट ये एक थ्योरिटिकल है, लेकिन मेरा मानना है कि कई बार हमें एक एक बैकग्राउंड थोड़ा सा पता होना चाहिए. आई होप ये आपको इंटरेस्टिंग रहा होगा जो फिलहाल मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से चीजें बनती हैं, कहाँ से सो दीज आर द बिग शॉट्स. दीज आर ये छोटी मोटी हस्तियां नहीं है अपने डोमेन की. इनकी तो फोटो वोटो भी लगा सकते हैं अपने टेबल पर. तो इस तरीके के लोग हैं ये. सो ये चीज यहाँ पे हुई है और अब हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे. तो क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार मुझे बताएं, एवरीबॉडी इज ओके नाउ? कैन वी मूव अहेड, आगे चल सकते हैं? या कोई सवाल हो किसी का कुछ तो वी कैन टेक दैट. तो मनीष सर का कहना है कि यस रजनी मैम. सो बीच बीच में इसलिए पूछता रहता हूँ जिससे पता चले कि यस आप मुझे सुन पा रहे हैं और कनेक्टेड हैं. सो आई जस्ट बीच में इसलिए सवाल छोड़ देता हूँ मैं थोड़ा. सत्यनारायण सर का यस आया है. दीप्ति आईटी आर्या, ओके, शायद आर्या कॉलेज से हैं. सो इस तरीके से हमारी कहानी बनी है अब तक. नाउ एक दो चीजें, अब मैं थोड़ा सा जो डिस्कशन को शिफ्ट करने वाला हूं वो मैं डीप लर्निंग के ऊपर शिफ्ट करने वाला हूं. सो अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं, बातें देखने वाले हैं, वो डीप लर्निंग के अराउंड होने वाले हैं. सो वी आर मूविंग टू दैट एरिया नाउ, डीप लर्निंग. तो वो तो आप देख ही चुके हैं कहानी हमारी कि भाई दिस वाज द एआई एंड देन दिस वाज द एमएल एंड दिस वाज द डीएल, राइट? सो दैट वाज देयर. नाउ सबसे पहले तो हमारा जो सवाल है और होना चाहिए अगर नहीं है तो, कि व्हाई डीप लर्निंग? अभी तक जो एमएल में किया है क्या वो एनफ नहीं है? क्या वो उसके थ्रू चीजें नहीं हो सकती हैं? क्यों हमें शिफ्ट करना पड़ रहा है डीप लर्निंग की तरफ? क्यों हमें न्यूरल नेटवर्क का यूज करना पड़ रहा है? दैट इज द क्वेश्चन. एंड फॉर दैट अगेन आई हैव वन इमेज टू शो दैट हैज आंसर टू दिस क्वेश्चन एक्चुअली. सो व्हाट इज दैट इमेज? सो सी दिस इमेज हियर. सो मैं आपको एक इमेज दिखाने वाला हूँ. सो दिस इज द इमेज. सो मैंने डबल क्लिक कर लिया उसको. नाउ यू कैन सी दैट इमेज. देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, एक प्लॉटिंग करने वाले हैं. और प्लॉट किस किस के बीच में हो रहा है उसको आप समझिए. मैं एक्स एक्सिस के ऊपर लेके जो ले रहा हूँ वो है डेटा का साइज. डेटा का साइज मतलब ट्रेनिंग डेटा का साइज. ट्रेनिंग डेटा कितना है, राइट? आपने देखा होगा अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए उनमें ट्रेनिंग डेटा किसी में 30 रिकॉर्ड्स थे, किसी में 200 रिकॉर्ड थे, किसी में 400 रिकॉर्ड थे. कल एक एसोसिएशन वाला एग्जाम्पल, जरूर एक ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें
आई थिंक 7,500 रिकॉर्ड्स थे अगर आपको याद आ रहा हो तो. इसका मतलब प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डेटा का साइज यहाँ पे इसी तरीके से मतलब है कि आप थोड़ा मोटा मोटा उसको ऐसे समझ सकते हैं कि कितनी रोज या कितने कॉलम्स डेटा के अंदर हैं. सो मोर रोज एंड मोर कॉलम्स यू हैव द वॉल्यूम ऑफ द डेटा इंक्रीजेस, राइट. सो हाई वॉल्यूम ऑफ द डेटा मीन्स द डेटा सेट इज लार्ज. इन लार्ज वॉल्यूम में है तो इसका मतलब उसका मेमोरी में जो उसको स्पेस चाहिए वो भी ज्यादा रिक्वायरमेंट उसकी होगी. तो हम लोग एक्स एक्सिस पे इसी चीज को हैंडल कर रहे हैं कि वी आर प्लॉटिंग द डेटा साइज ऑन एक्स एक्सिस. और मॉडल का जो परफॉर्मेंस है, कल भी मैंने आपको परफॉर्मेंस के बारे में बात की थी तो मैंने आपको स्कोर के बारे में बताया था कि स्कोर किस तरीके से निकाला जाता है, कि ट्रेनिंग स्कोर और टेस्ट स्कोर कैसे निकालते हैं और ट्रेनिंग स्कोर और टेस्ट स्कोर को कैसे मैच करते हैं या कैसे कंपेयर करते हैं. और उसके हिसाब से हमने डिफाइन भी किया था कि अंडरफिटिंग हो रही है या मॉडल की ओवरफिटिंग हो रही है या मॉडल एग्जैक्टली अच्छा काम कर रहा है. तो इस तरीके का मॉडल का जो परफॉर्मेंस है उसको आप स्कोर से समझें. सो दिस इज द मॉडल स्कोर, राइट, एंड दिस इज अवर ट्रेनिंग डेटा, राइट. और अब हम यहाँ पर बहुत सारी लाइनें खींची हुई हैं जो परफॉर्मेंस को प्लॉट कर रही है, पर फिलहाल मैं आपसे बोलूंगा कि आप सिर्फ रेड वाली लाइन और जो ब्लू लाइन है उसी को ध्यान में दें, ग्रीन और ऑरेंज को भूल जाएं फिलहाल के लिए. अब आप देखिए यहां पर रेड जो लाइन है वो हमारे मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को शो कर रहा है और ब्लू वाली लाइन हमारे न्यूरल नेटवर्क या डीप लर्निंग वाले मॉडल की परफॉर्मेंस को या स्कोर को शो कर रहा है. आप देखेंगे, आप मुझे क्या बता सकते हैं इस इमेज के हिसाब से कि जैसे जैसे मेरे डेटा का वॉल्यूम बढ़ रहा है, मेरे ट्रेनिंग डेटा का साइज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मेरे ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो अभी तक हमने पढ़ी है उन एल्गोज का परफॉर्मेंस सैचुरेट हो गया है, उसमें कोई घटाव या बढ़ाव नहीं हो रहा है. लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे डेटा का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे न्यूरल नेटवर्क बेस्ड या डीप लर्निंग बेस्ड मॉडल का परफॉर्मेंस भी साथ के साथ बढ़ रहा है. आप देख सकते हैं, राइट, इस तरीके की चीजें यहाँ पे. तो क्या इसके हिसाब से अगर मैं क्या ये मतलब निकाल लूं कि अगर ऐसा है कि साहब डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स की परफॉर्मेंस मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट से हमेशा ही अच्छी है तो क्या मुझे हमेशा ही डीप लर्निंग यूज करना चाहिए? क्या अभी तक जो पढ़ा है वो किसी काम का नहीं है? आप मुझे बताओ, क्या इस सवाल का जवाब आप मुझे दे सकते हो इस इमेज से कि कहाँ पे डीप लर्निंग लगाना चाहिए और कहाँ पे डीप लर्निंग की जरूरत नहीं है? आप नॉर्मल मशीन लर्निंग से भी अपना काम चला सकते हैं. क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन कहीं दिख रही है इस पूरी इमेज के अंदर, इस प्लॉट के अंदर? बताएं प्लीज एक बार. तो मनीष सर का कहना है कि डीप लर्निंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, गिव रियलिस्टिक और नियर रियलिस्टिक रिजल्ट्स. मनीष सर, कई बार मुझे ऐसा लग रहा है सही है कि गूगल से कॉपी पेस्ट आंसर तो नहीं है. सो व्हेन डेटा इज लार्ज देन डू इज बेनिफिशियल. रिचा मैम का कहना है कि मनीष सर कह रहे हैं कि हाँ सर. सो व्हेन डेटा इज लार्ज देन डीप लर्निंग इज बेनिफिशियल, राइट. सो आई थिंक मैं इस प्लॉट को अगर अपने व्हाइट बोर्ड पे लेके जाऊं तो आप वहां पे देख सकते हैं कि इस प्लॉट को अगर हम व्हाइट बोर्ड पे लेके जाएं तो ये प्लॉट लगभग कुछ ऐसा बन रहा है. आप देखिए यहाँ पे. सो अगर मैं इधर ये ले लूं तो यहाँ पे आपने बोला था कि सब डेटा का साइज लेना है और इधर जो लेना है हमें मॉडल का परफॉर्मेंस लेना है. तो ये हमारा स्कोर हो गया और कुछ ऐसी कहानी हमारी किसके लिए बन रही थी, डीप लर्निंग के लिए बन रही थी. और कुछ ऐसी कहानी हमारी कुछ इस तरीके की कहानी हमारी मशीन लर्निंग के बारे में, राइट. तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ये जो जहाँ पे दोनों प्लॉट एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं वो एक एरिया है जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए. इस तरफ के एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डीप लर्निंग का परफॉर्मेंस इज मच बेटर, राइट, बिकॉज दिस इज योर डीप लर्निंग. सो हियर यू कैन सी एग्जैक्टली योर डीप लर्निंग इज परफॉर्मिंग बेटर.
राइट, तो वही चीज यहाँ पे है. सो इसका मतलब इफ योर डेटा साइज डेटा वॉल्यूम इज लार्ज यू कैन गो विद द डीप लर्निंग, राइट, यू कैन गो विद द डीप लर्निंग. बट इफ योर डेटा इज नॉट दैट बिग एनफ, राइट, उस केस में डीप लर्निंग का परफॉर्मेंस हमारी मशीन लर्निंग के परफॉर्मेंस से अच्छा नहीं है. इसका मतलब जो स्मॉल डेटा सेट्स हैं, राइट, उन पर तो हमें मशीन लर्निंग के साथ ही कंटिन्यू करना अच्छा रहेगा, क्योंकि डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट्स लार्ज डेटा साइट पे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ना कि छोटे डेटा साइजेस के ऊपर. अब लार्ज डेटा साइज की जब बात हो जाती है तो कौन से डेटा साइज को लार्ज हम मान सकते हैं, उस केस में हम एक मोटा मोटा सा इंफरेंस ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर आपके डेटा सेट में इमेजेस हैं, राइट, आपके डेटा सेट में वीडियो है, आपके डेटा सेट में ऑडियो है, आपका डेटा सेट में लार्ज टेक्स्ट वॉल्यूम का डेटा है, ये इस तरीके का डेटा सेट is good to perform deep learning. इस तरीके के projects में जहाँ पे images का involvement है, videos का involvement है, right, audio का involvement है, voice का involvement है, text, large text का involvement है, वहाँ पर it is wise, it is a good decision to go with deep learning rather than a traditional machine learning algorithms, right? तो इस तरीके की चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे हमने images, videos, analog. तो क्या आपको ये logic समझ में आया कि मैंने क्या आपको चीज बताई है कि कहाँ पे deep learning use करें और कहाँ पे deep learning use ना करें. मैं deep learning का use उस case में बता रहा हूँ जहाँ पे data का size बड़ा है, large volume of the data है, image की form में, video की form में, audio की form में, text की form में. It is wise to use deep learning rather than our traditional machine learning algorithm. But if your data size is not big enough, and it's not a good idea to go with deep learning, we should stick with our machine learning algorithms only, jo abhi tak humne pichle 3-4 dinon mein discuss kiye hain, un pe hi zyada focus karna chahiye. Is that clear to everyone? Ek baar mujhe feedback dein ki aapko pata chal gaya hai ki kab deep learning use karna hai aur kab deep learning use nahi karna hai. Ye diagram maine isiliye bataya aapko, please bataye ek baar. So, अंजलि मैम का कहना है यस, मंजू व्यास मैम है उनका कहना है कि क्लियर. आई होप सभी फैकल्टी मेंबर्स मुझे सुन रहे हैं तो फीडबैक दें प्लीज कि यहाँ तक क्लियर है डिस्कशन. मनीष सर का कहना है यस, रिचा मैम का कहना है यस, रियल मी एक्स मैं नाम सर नाम बताएं अपना रियल मी एक्स वाले सर जो हैं, दीप्ति मैम का कहना है यस. ओके, सो मंजू व्यास का मंजू व्यास मैम है उनका कहना है कि मैंने जो डेटा सेट यूज किया आई एम वर्किंग इज अ वेरी स्मॉल 21 रोज एंड आई ट्राइड डीप लर्निंग. मंजू मैम कहीं पे भी ये मना नहीं है कि डीप लर्निंग लगा नहीं सकते. कोई भी प्रोजेक्ट हमें मना नहीं करेगा कि आप इतने छोटा डेटा सेट पे डीप लर्निंग नहीं लगा सकते. ये सिर्फ हमें देखने की जरूरत है कि हमारा जो स्कोर है, हमारा जो परफॉर्मेंस है या हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो किसके साथ अच्छे जा रहे हैं. तो इस डायग्राम से शायद आपको एक क्लैरिटी हुई होगी कि हमें किसके साथ जाना चाहिए. बहुत ही स्मॉल डेटा सेट पे डीप लर्निंग इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, राइट. शिखा मैम है JCRC, अच्छा रियलमी एक्स वाली मैम जो है शिखा मैम है. सो आई थिंक मंजू मैम शायद आपको शायद क्लियर हुआ होगा कि शायद आपके रिजल्ट्स पुअर क्यों आए, राइट. सो मंजू मैम ने उसको असर्ट किया है कि यस उन्होंने उस चीज को. सो अब आगे चलते हैं कि एग्जैक्टली हम डीप लर्निंग की दुनिया में क्या देखने वाले हैं. सो नाउ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन अहेड. सो आप थोड़े से अपने कान लगा के रखिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुने और समझ नहीं आए तो बताएं वापस.
यहाँ पे जैसे हमने मशीन लर्निंग को मोटे मोटे दो हिस्सों में बांटा था, वैसे ही मैं डीप लर्निंग को भी दो हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूं। डीप लर्निंग, राइट, डीएल स्टैंड्स फॉर डीप लर्निंग। कौन से हिस्से होंगे दो, जिनसे फैमिलियर हैं हम ऑलरेडी? एक हिस्सा कहलाता है सुपरवाइज्ड डीप लर्निंग और दूसरा हिस्सा कहलाएगा अनसुपरवाइज्ड डीप लर्निंग। तो जैसे ही मैंने सुपरवाइज्ड नाम लिया और अनसुपरवाइज्ड नाम लिया, आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। इसका मतलब सुपरवाइज्ड डीप लर्निंग में क्या होगा कि सब डेटा में फीचर भी होंगे और लेबल भी होगा, ठीक है, और अनसुपरवाइज्ड डीप लर्निंग में सिर्फ क्या मिलेगा हमें, फीचर्स मिलेगा, राइट, नो लेबल, सो फीचर्स ओनली, यू हैव ओनली फीचर्स, ठीक। नाउ सुपरवाइज्ड डीप लर्निंग के हम मोटे मोटे तीन हिस्से देखते हैं, वी सी थ्री डिफरेंट यू नो सेक्शंस ऑफ सुपरवाइज्ड डीप लर्निंग, थ्री, कौन कौन से? वन इज नोन एज ANN, which is called as artificial neural network. So, artificial neural network, ANN, ठीक है। दूसरा हिस्सा जो कहलाता है उसको हम लोग बोलते हैं CNN. CNN stands for convolutional neural network, convolutional neural network. और तीसरा और आखिरी हिस्सा इस सुपरवाइज्ड डीप लर्निंग में आता है, वो कहलाता है RNN, which is standing for recurrent neural network. तो सुपरवाइज्ड डीप लर्निंग के तीन हिस्से हो गए हैं। एक कहलाता है ANN, which is the basic unit actually, जो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सुपरवाइज्ड डीप लर्निंग का, ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। Other section or other type is called as CNN, which is convolutional neural network, and RNN is recurrent neural network, right? ANN में हम क्या करते हैं उसको समझिए, एक बड़ा interesting सा logic है। आपको ध्यान है supervised machine learning में हमने क्या क्या पढ़ा था? supervised machine learning में हमने regression भी देखा था और क्लासिफिकेशन भी देखा था, राइट? ANN के थ्रू, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ANN के थ्रू आप रिग्रेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोनों ही चीजें जो यहां पे आप यू नो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन आप परफॉर्म करते थे, वही चीज ANN के थ्रू भी हो सकती है। रिग्रेशन में तो आपको पता क्या करते हैं, किसी वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं, कॉन्टिन्यूस वैल्यू को, और क्लासिफिकेशन में किसी कैटेगरी या किसी क्लास को प्रिडिक्ट करते हैं। ये दोनों ही काम ANN के थ्रू पॉसिबल हैं, राइट? सो ANN आपको समझ जाना चाहिए कि ANN इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड वी कैन परफॉर्म रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन एज वेल यूजिंग ANN। तो ये काम हमारा यहाँ पे हुआ, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। CNN is a convolutional neural network and basically ये जो area है CNN वाला किससे related है, जो आजकल काफी चल रहा है, वो related है computer vision, जिसको कहते हैं ना computer vision। computer vision का मतलब जैसे होता है ना image के अंदर faces को detect करना, image के अंदर cat या dog को detect करना, image के अंदर vehicle को detect करना, या इमेज में जो बंदा दिख रहा है उसके फेस पर रिंकल्स या उसके हिसाब से उसकी एज को डिटेक्ट करना या उसके जेंडर को प्रिडिक्ट करना, राइट, या फिर उसकी एथनिसिटी को प्रिडिक्ट करना कि अफ्रीकन है या एशियन है या अमेरिकन है या साउथ एशियन है या येलो रेस का है या वाइट रेस का है या ब्राउन रेस का है, उसको प्रिडिक्ट करना, राइट, इस तरीके की जो चीजें हैं, राइट, सो वो सब जो हो रही है वो कंप्यूटर विजन के थ्रू हो रही है और उसमें CNN का यूज होता है। और इनफैक्ट जो ड्राइवरलेस कार्स होती हैं,
बेसिकली वो भी CNN बेस्ड ही है मेजोरिटी, बिकॉज उनमें बहुत सारे कैमरेज लगे होते हैं और वो कैमरेज से क्या करते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट का, अपने कंटेक्स्ट का पिक्चर्स इमेजेस कलेक्ट करती रहती हैं और उसके बेस पर ही वो डिसीजन लेती हैं कि राइट लाइट ग्रीन हो गई है या रेड हो गई है, या फिर चलना है या रुकना है, या ब्रेकर आ गया है या टर्न मारना है या क्या करना है, या वाइट जो साइन बोर्ड है उस पर क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीजें कंप्यूटर विजन में आती हैं। इनफैक्ट जो हैंड रिटन टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करना कि इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको रिकॉग्नाइज करना, या फिर जो जापानीज में लिखा हुआ है या अदर लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, वो सारी चीज आपने बहुत सारी ऐप देखी होंगी, आप उसमें कोई इमेज दो तो उस इमेज में क्या टेक्स्ट छुपा हुआ है उस टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती है। सैमसंग के कुछ फोन भी आते हैं जो इस तरीके के काम कर सकते हैं। तो ये सारी जो एप्लीकेशन है दे आर बेस्ड ऑन कंप्यूटर विजन एंड CNN इज यूज एक्चुअली। CNN इज द टेक्निक, CNN इज द आर्किटेक्चर, CNN इज वन ऑफ द प्रिंसिपल थ्रू विच वी कैन परफॉर्म कंप्यूटर विजन, या एक तरह से इमेज प्रोसेसिंग जिसको कहते हैं। आपने कुछ लाइब्रेरीज के नाम अपनी अपने रोजमर्रा की उसमें सुने भी होंगे, एक लाइब्रेरी आती है सब ओपन सीवी के नाम से, राइट? ओपन सीवी, ओपन सीवी, सीवी स्टैंड फॉर कंप्यूटर विजन, राइट हियर। सो दूसरी लाइब्रेरी आपने सुनी होगी एक योलो करके एक लाइब्रेरी आती है, क्वाइट पॉपुलर है, ओपन सीवी से कई बार अच्छा परफॉर्मेंस देती है। तो ये कुछ कुछ ऑलरेडी लाइब्रेरीज हैं जिनको हम कंप्यूटर विजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ये डिटेक्शन, आई डिटेक्शन, बहुत सारी चीजों का डिटेक्शन वहां पे किया जा सकता है। सो दैट एवरीथिंग कम्स इनटू कंप्यूटर विजन एंड बेसिकली CNN इज बीइंग यूज्ड देयर। एक CNN का और एक परफेक्ट लाइव एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ। आप सभी लोग फेसबुक पे होंगे या इंस्टाग्राम पे होंगे, आपने देखा होगा कि जैसे ही आप कोई फोटो अपलोड करते हो वो आपको सजेशन देना लग जाता है कि डू यू वॉन्ट टू टैग दिस गाय, डू यू वॉन्ट टू टैग दिस फ्रेंड, राइट? तो आपने देखा होगा वो डिटेक्ट कर लेता है कि आपका जो फ्रेंड है वो कौन है आपकी लिस्ट में से, राइट? तो वो जो काम हो रहा है कि फेस डिटेक्शन की टेक्निक उसने लगाई है फेसबुक ने, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर विजन वेयर फेसबुक इज यूजिंग CNN, राइट? इस तरीके की चीज यहाँ पे हुई है। लास्ट में जो एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ वो कौन सा टाइप है, RNN है, विच इज अ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। आपको एक चीज समझनी चाहिए यहाँ पे कि ANN और CNN में किसी के पास भी मेमोरी नहीं होती है, सो दे डोंट हैव एनी मेमोरी। सो इसका क्या मतलब है वो थोड़ा सा मैं आपको लेटर ऑन बताने की कोशिश करूंगा। देर इज नो मेमोरी, राइट? सो बेसिकली इनको नहीं पता होता है कि पिछली बार जब इनपुट दिया था तो क्या आउटपुट रहा था, वो उनको कभी भी नहीं पता चलता। इनपुट आया, आउटपुट आया, काम खत्म, उसके बाद आई डोंट हैव एनी रिकॉर्ड रिलेटेड टू दैट, राइट? सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ नो मेमोरी और फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क हम कई बार कहते हैं। बट RNN एक ऐसा आर्किटेक्चर है डीप लर्निंग का, सुपरवाइज्ड डीप लर्निंग का, विच हैज ए मेमोरी कंपोनेंट एज वेल। तो इसको याद रहता है कि यार पिछली बार हम लोगों ने क्या आउटपुट दिया था, तो इसको काफी चीजें पुरानी याद रहती हैं, इसको कंटेक्स्ट याद रहता है, और कंटेक्स्ट याद रहने के केसेस में ये कई बार इफेक्टिवली यूटिलाइज होता है टाइम सीरीज एनालिसिस में, टाइम सीरीज एनालिसिस में, वेदर फोरकास्टिंग में, राइट? या स्टॉक प्राइसेस के प्रिडिक्शन में, वेदर फोरकास्टिंग में, या यील्ड का प्रिडिक्शन, यील्ड मतलब पैदावार कितनी हो रही है देश में उसका प्रिडिक्शन देना है, ये सारी चीजों में RNN काफी काम में आता है, राइट? और हमने कुछ रिसेंटली प्रोजेक्ट्स में RNN को यूज किया था, जिसके थ्रू हमने इंडस्ट्री के कुछ प्रोजेक्ट्स में उनको कंसल्टेशन दिया था, एंड यूज्ड RNN फॉर दैट पर्पस, राइट? तो RNN का एक और जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं, और शायद आपको पता भी होगा कि वहां पे RNN यूज हो रहा है, आप जीमेल यूज करते हैं सब लोग, राइट? जब आप ईमेल लिखते हो तो आजकल उसमें एक फीचर आ गया कि जैसे ही आप कुछ लिखना स्टार्ट करते हो वो सजेशन देने लग जाता है आगे, राइट? कि आप चाहो तो उनको टैप दबा करके उस सजेशन को यूज कर सकते हो, यू डोंट हैव टू टाइप एवरी फुल कंप्लीट स्टेटमेंट। तो वो सजेशन जो देने लग गया है कि आप जैसे जैसे जो जो टाइप करते जा रहे हो उसके हिसाब से उसका सजेशन चेंज भी होता रहता है, वो पूरा का पूरा RNN बेस्ड मॉडल है। गूगल इज यूजिंग RNN बिहाइंड द सीन टू सजेस्ट यू व्हाट टेक्स्ट, व्हाट वर्ड कैन कम नेक्स्ट व्हाइल यू आर राइटिंग। दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ RNN। तो क्या ये तीनों केस आपको समझ में आए कि ANN कहां पे यूज हो रहा है, कि ANN सब रिग्रेशन ये क्लासिफिकेशन में यूज हो रहा है, CNN कहां पे यूज हो रहा है, और RNN को कहां पे यूज कर रहे हैं? ये तीनों ही केसेस सुपरवाइज डीप लर्निंग के एग्जाम्पल हैं। क्या ये आपको क्लैरिटी हुई यहां पे, प्लीज बताएं। तो मुकेश सर का कहना है यस, दीप्ति मैम ने यस कहा, अंजलि मैम ने क्लियर, रजनी मैम ने क्लियर कहा है,
गुड, रुचि मैम है, यस। तो ये तीन हिस्से तो हुए हमारे सुपरवाइज्ड डीप लर्निंग के। ऐसे ही अनसुपरवाइज्ड डीप लर्निंग में भी कुछ आर्किटेक्चर यूज आते हैं जिनको फिलहाल हम लोग इतना भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में भी आप क्लस्टरिंग परफॉर्म कर सकते हो, जैसे हमने कल मशीन लर्निंग को यूज करते हुए यू नो के मींस या डीबी स्कैन को यूज करते हुए क्लस्टरिंग परफॉर्म की थी। आप अनसुपरवाइज्ड डीप लर्निंग में भी क्लस्टरिंग परफॉर्म कर सकते हो, और उसके लिए जो आर्किटेक्चर यूज होता है उसको कहते हैं SOM, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स। क्या बोलते हैं उसको? सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स, ठीक है। सो ये जो चीज है यहाँ पे वो क्लस्टरिंग को परफॉर्म करने के काम में आती है, मतलब डीप लर्निंग में भी वो तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपने डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, उसी को हम लोग क्लस्टरिंग कहते हैं, और वहां पर फिलहाल जो टेक्निक यूज होती है उसको हम लोग SOM कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है अनसुपरवाइज्ड डीप लर्निंग में, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटो एनकोडर। क्या बोलते हैं उसको? ऑटो एनकोडर्स। सो ऑटो एनकोडर्स जो है एक टेक्निक है, और उसको डिफाइन करने के बजाय मुझे कुछ एग्जांपल उसमें बताने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि कोई ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को कलर इमेज में कन्वर्ट कर देना, आपने देखा हो कलर इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में कन्वर्ट करना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप उसके जो भी आरजीबी कंपोनेंट्स हैं उनको हटा दीजिए, सिर्फ एक कंपोनेंट को रख सकते हैं कंबाइंड, राइट, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी या ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को कलर में कन्वर्ट करना, या ब्लैक एंड व्हाइट मूवी को या वीडियो को कलर वीडियो में कन्वर्ट करना, ये सब जो है वो आजकल डीप लर्निंग के थ्रू हो रहा है, और डीप लर्निंग में भी जिस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को यूज करके ये हो रहा है उसको हम लोग ऑटो एनकोडर कहते हैं, राइट। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पे काम आती हैं। सो या प्लस कई बार यू नो डीसाइजिंग वगैरह, या फिर धुंधली इमेजेस हैं उनको ढंग से रीड करना, ये सब चीजें ऑटो एनकोडर के थ्रू हो रहा है। तो इस तरीके से अनसुपरवाइज डीप लर्निंग में भी एक तरह से मैंने दो आपको एग्जांपल्स या दो केसेस बताए, एक कौन सा केस था क्लस्टरिंग, जिसको हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, वी कैन परफॉर्म यूजिंग सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स, जिनको हम लोग कई बार शॉर्ट फॉर्म में SOMs कहते हैं, और द अदर आर्किटेक्चर वॉज ऑटो एनकोडर्स। ऑटो एनकोडर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका, और इनको कम्प्लीटली अनसुपरवाइज तो मैं नहीं कहूँगा, इनको जनरली कई बार सेल्फ सुपरवाइज भी कहते हैं। सो जस्ट मैं नाम बता रहा हूँ, बट मैं अभी डिटेल उसकी फिलहाल नहीं बताऊंगा आपको। तो इस तरीके से ये हमारा एक मोटा मोटा काम हुआ है, जिसमें हमने डीप लर्निंग को दो हिस्सों में बांट दिया है, सुपरवाइज डीप लर्निंग और अनसुपरवाइज डीप लर्निंग। और सुपरवाइज डीप लर्निंग में भी मैंने ANN, CNN और RNN की आपसे बात की है, और जो है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में मैंने क्लस्टरिंग यूजिंग SOMs और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स और ऑटो एनकोडर्स की बात की है। तो इस तरीके से एक मोटा मोटा डीप लर्निंग का मैप हमारा बन गया है। अब हम अपना थोड़ा फोकस लेके जाएंगे ANN के ऊपर। सो वी विल शिफ्ट अवर फोकस ऑन ANN नाउ, एंड वी अंडरस्टैंड द इंटरनल्स ऑफ ANN। ANN में क्या हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, उसको थोड़ा सा हम लोग फोकस करने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट टुडे। सो नाउ वी आर मूविंग टू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बेसिकली, ठीक। तो अब हम उस तरफ चलते हैं थोड़ा सा। सो अब हमारा जो डिस्कशन है वो ANN, या फिर इसको कई बार मैं शॉर्ट फॉर्म में न्यूरल नेटवर्क भी कहूंगा, तो एक ही बात, ठीक है। सो अब आप देखिए यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क या ANN एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है, लेयर्ड आर्किटेक्चर। क्या मतलब है लेयर्ड आर्किटेक्चर से, उसको आप समझिए। जैसा कि समझ में आ रहा है कि इट्स अ लेयर्ड आर्किटेक्चर, तो किस तरीके से रहता है उसको समझिए। किसी भी न्यूरल नेटवर्क में लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स में अंदर अभी थोड़ी देर में जाएंगे, पर पहले बाहर से समझ लेते हैं। पहली जो लेयर होती है
उस लेयर को कहते हैं इनपुट लेयर. सो दिस इज इनपुट लेयर. ठीक है, जो लास्ट लेयर होती है उस लेयर को कहते हैं आउटपुट लेयर. आउटपुट लेयर. ठीक, हम अपने मॉडल में इस पूरे को मॉडल कहेंगे, इस आर्किटेक्चर को मॉडल कहेंगे. जैसे मॉडल हम लोग मशीन लर्निंग के केस में, इनपुट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक डेटा. जो ट्रेनिंग डेटा हम देते हैं ना, उसको यहां से पढ़ती है वो डेटा. तो डेटा इज गिवन, डेटा इज फीड फ्रॉम द इनपुट लेयर. और जो प्रिडिक्शंस आते हैं कि साहब बताओ इमेज में कौन है, इमेज में कैट है या डॉग है या बाइक है या ट्रक है, आदमी है या औरत है या बच्चा है, बच्चा भाग रहा है या दौड़ रहा है, हंस रहा है या रो रहा है, ये सारे एग्जांपल्स जो भी प्रेडिक्शन होने चाहिए वो कहाँ पे मिलते हैं आपको? आउटपुट लेयर पे मिलते हैं. सो हियर वी गेट द प्रेडिक्शंस. आपको ध्यान, हम लोग प्रेडिक्शन निकालते हैं मशीन लर्निंग के मॉडल में. आपने देखा होगा कि मॉडल को फिट किया, फिर उसमें से प्रेडिक्शन निकाले एंड सो दैट. तो डेटा फीड यहाँ होता है, प्रेडिक्शंस यहाँ पे मिलते हैं. सो एक तरह से आउटपुट यहाँ पे आता है. तो ये इनपुट लेयर हो गई हमारी, ये आउटपुट लेयर हो गई. नाउ बीच में जो और भी लेयर्स होती हैं उसमें, वी हैव अ कपल ऑफ लेयर्स हियर एज वेल. यहाँ पे बीच में और लेयर्स भी होती हैं. इन लेयर्स का भी काम डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है. इन सभी लेयर्स को, जो एक हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती हैं, राइट, उन लेयर्स को हम लोग कहते हैं हिडन लेयर. क्या बोलेंगे इसको? हिडन लेयर्स कहते हैं. दीज आर द हिडन लेयर्स. सो किसी भी न्यूरल नेटवर्क में एक तरह से तीन लेयर होती हैं, वो आप समझ लीजिए. किसी भी लेयर्ड आर्किटेक्चर में या न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर में तीन लेयर होंगी. कौन कौन सी लेयर? यू हैव अ इनपुट लेयर, देन यू हैव अ आउटपुट लेयर, राइट, एंड इन बिटवीन जितनी भी लेयर्स होंगी, एक या एक से ज्यादा, वो सभी क्या कहलाती हैं? दे आर कॉल्ड एज हिडन लेयर्स. जितनी ज्यादा हिडन लेयर्स होंगी, हमारा मॉडल उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा, उतनी ही प्रोसेसिंग, उतनी ही मेमोरी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, और उस मॉडल को उतना ही डीप कहते हैं. डीप मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ हिडन लेयर्स, उतना ही हमारा डीप आर्किटेक्चर कहलाता है, राइट. तो इस तरीके से ये चीज यहाँ पे है कि इनपुट लेयर का जो आउटपुट है वो फर्स्ट हिडन लेयर में जाता है, फर्स्ट हिडन लेयर का जो आउटपुट है वो सेकंड हिडन लेयर में जाता है, सेकंड हिडन लेयर का जो आउटपुट है वो थर्ड हिडन लेयर में जाता है, और लास्ट हिडन लेयर का जो आउटपुट है वो आउटपुट लेयर को जाता है, और आउटपुट लेयर हमें प्रेडिक्शन देती है. सो दिस इज काइंड ऑफ ए लेयर्ड आर्किटेक्चर जिससे हम डील करते हैं हमारे न्यूरल नेटवर्क के अंदर. तो क्या आपको ये तीन लेयर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि तीन लेयर कौन कौन सी हैं? इनपुट लेयर जहां से डेटा फीड होगा, आउटपुट लेयर जहां से हमें प्रेडिक्शंस मिलेंगे, और इन दोनों लेयर्स के बीच में आपके पास एक या एक से ज्यादा हिडन लेयर्स हो सकती हैं. इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बताएं प्लीज एक बार. अंजलि मैम का कहना है गॉट इट क्लियर, दीप्ति मैम का कहना है शिखा मैम, मुकेश चौधरी सर, ठीक है. अब ये कहानी तो हमारी समझ में आई कि सब लेयर्स होती हैं इस तरीके से डीप लर्निंग के अंदर. अब मैं थोड़ा सा लेयर के अंदर चलता हूँ. अभी हम लेयर को सिर्फ बाहर से देख रहे हैं, लेयर हमारे लिए ब्लैक बॉक्स थी. सिर्फ ये समझ में आया कि लेयर में कुछ इनपुट आएगा, उसका जो आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट लेयर के लिए इनपुट की तरह काम करेगा, फिर उसका जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट लेयर के लिए इनपुट की तरह काम करेगा. इट्स अ काइंड ऑफ अ चेन सिस्टम, पाइपलाइनिंग एक तरह से हमारे पास यहाँ पे बनी है. अब हम लोग थोड़ा सा अंदर चलते हैं लेयर के अंदर, राइट. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट लेयर्स, इंटरनल्स ऑफ अ लेयर. किसी भी लेयर में, यू नो यू हैव अ लेयर हियर,
किसी भी लेयर की बात करो तो उस लेयर में आपको कई सारे एक या एक से ज्यादा नोड्स मिलते हैं, उनको कहते हैं नोड्स। सो लेयर किससे बनी हुई है? नोड से बनी हुई है। बोले अरे भाई नोड क्या चीज है, अब उसको समझिए। किसी भी नोड को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, हर नोड के पास एक तो होता है इनपुट, सो देयर इज ए इनपुट टू द नोड। हर नोड के पास एक आउटपुट भी होता है, देयर इज ए आउटपुट टू द नोड, ठीक है। हर नोड के पास एक वेट होता है, वेट एक प्रॉपर्टी होती है, वेट। हर नोड के पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं बायस, बायस होता है। एक और लास्ट फीचर हर नोड के पास होता है, उसको कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन, देयर इज एक्टिवेशन फंक्शन। तो किसी भी नोड की बात करें, नोड क्या है? नोड वो एक एलिमेंट है या वो एंटिटी है जो लेयर बनाता है, और हर लेयर के अंदर एक या एक से ज्यादा नोड हो सकते हैं। अब मैं नोड के ऊपर जूम कर दिया कि नोड कैसा दिखता है। पहले तो लेयर के बाहर थे, फिर लेयर में अंदर घुस गए, अंदर घुसे तो पता चला कि यार यहाँ तो बहुत सारे नोड हैं, बहुत सारे नोड हैं। तो अब किसी भी एक नोड के पास पहुंच गए और एक नोड को जाकर के थोड़ा सा देखा कि उसके अंदर क्या क्या है। तो हर नोड के पास एक तो इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको वेट कहते हैं, उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको बायस कहते हैं, उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। अब ये सब चीजें एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, उसी को अगर मैं समझूं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू इनपुट मल्टीप्लाइड विद वेट प्लस बायस, उसमें बायस को ऐड कर दिया गया। और ये जो भी वैल्यू है इसको किसमें पास कर दिया गया है? एक्टिवेशन फंक्शन में पास कर दिया गया। तो दिस इज एक्टिवेशन फंक्शन। तो एक्टिवेशन को फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और कॉल करने में ये पैरामीटर की वैल्यूज, ये वैल्यूज हम उसको पास करा रहे हैं। तो ये जो आउटपुट आएगा, ये जो रिजल्ट आएगा, वही हमें अपने आउटपुट में दिखेगा। ये रिलेशनशिप होती है किसी भी नोड में बिटवीन इनपुट वेट बायस एंड एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन को मैंने फिलहाल अभी डिफाइन नहीं किया है, अभी मैंने उसको डिफाइन करना है मुझे, बट बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शन एक मैपिंग है, और वो मैपिंग बेसिकली क्या कर रही है, इस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रही है। वही चीज एक्टिवेशन फंक्शन है। ओब्वियसली एक मैथमेटिकल फंक्शन होगा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसी को हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन कह रहे हैं। सो दिस इज हाउ इनपुट वेट बायस एंड एक्टिवेशन फंक्शंस are related and they give you the output on every node. क्या ये logic समझ में आया कि हर node की कहानी बस इन चार पांच चीजों से बनी हुई होती है? Is that clear to everyone? So Richa ma'am, Deepti ma'am, अंजलि मैम का कहना है कि इज दिस बायस इज अ फिक्स क्वांटिटी, आप मान सकती हैं अंजलि मैम, थोड़ी सी और चीजें आगे चलेंगी तो और क्लियर हो जाएगा आपको। एक नंबर है, एक वैल्यू है, आप उसको ऐसे समझ सकती हैं, ठीक है। एक स्केलर वैल्यू होती है अंजलि मैम, उसी को हम लोग बायस कहते हैं। सो तो ये चीज हमारी हुई कि हमने इस इक्वेशन से ये चीज समझ ली कि किस तरीके से इनपुट इनटू वेट प्लस बायस दे आर गिवन टू एक्टिवेशन फंक्शन, और एक्टिवेशन फंक्शन जो रिजल्ट हमें देता है वही हमें आउटपुट में मिलता है। ये पहला एक बात तो ये होगी, हर नोड की कहानी यही होगी, हर नोड के पास यही चीजें छुपी हुई। अब सवाल ये आता है, अब सवाल पे आ गया हूं मैं, अब मैं इस चीज का डिस्कशन करने वाला हूं कि साहब इनपुट लेयर में कितने नोड होंगे। सो व्हाट इज माय डिस्कशन नाउ कि इनपुट लेयर में कितने नोड होने चाहिए। अब हम थोड़ी सी उस आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो नाउ आई वांट टू डिस्कस, व्हाट इज माय डिस्कशन पॉइंट, माय डिस्कशन इज नोड्स
इन इनपुट लेयर, नोड्स इन इनपुट लेयर, ये मेरा सवाल है कि साहब इनपुट लेयर में कितने नोड रखें। उसका सीधा सीधा सा जवाब है, इनपुट लेयर में उतने नोड होने चाहिए जितने आपके डेटा में फीचर्स हैं। तो नंबर ऑफ नोड्स इन इनपुट लेयर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ फीचर्स इन योर डेटा सेट, इन डेटा सेट। अगर मेरे डेटा सेट में चार फीचर हैं तो कितने नोड होंगे इनपुट लेयर में? चार नोड होंगे। अगर मेरे डेटा सेट में दस फीचर हैं तो कितने नोड होंगे? दस नोड होंगे इनपुट लेयर में। इसका मतलब जितने ज्यादा फीचर उतने ही ज्यादा नोड। वन फीचर करस्पॉन्ड्स टू वन सिंगल नोड इनपुट लेयर। सो यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी फीचर्स यू आर गोइंग टू यूज इन योर डेटा सेट। जितने फीचर्स होंगे आपको इनपुट लेयर में उतने ही नोड ऐड करने पड़ेंगे। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि लेट्स से आपके डेटा में, जैसे आपको ध्यान है हमने एक डेटा सेट पढ़ा था जिसमें क्या था कि साहब उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, फिर हमने क्या पढ़ा था कि साहब उसका वर्किंग आवर्स कितने हैं, शायद ये था कुछ, फिर उसका सर्टिफिकेशन कितने हैं, फिर उसका एक्सपीरियंस कितना है, इस तरीके से। और इन सबको अगर मैं एक न्यूमेरिक वैल्यू मानूं तो डिपार्टमेंट के करस्पॉन्डिंग एक नोड, यू नो वर्क आवर्स के करस्पॉन्डिंग एक नोड, एंड देन एक नोड करस्पॉन्डिंग टू सर्टिफिकेशन एंड वन नोड करस्पॉन्डिंग टू। तो ये चार नोड होने चाहिए। एक नोड डिपार्टमेंट की डिटेल्स को पढ़ेगा, एक नोड वर्क आवर्स को पढ़ेगा, एक नोड सर्टिफिकेट के वैल्यू को पढ़ेगा और एक नोड एक्सपीरियंस को पढ़ेगा। तो उस तरीके से जो है वो चीजों को पढ़ेंगे। Is that clear to you? कि जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि ये कैसे डिसाइड होता है कि इनपुट लेयर में कितने नोड्स होने चाहिए, राइट? क्या ये चीज क्लियर है आपको? फिर मैं बाकी के लेयर्स के बारे में भी बताऊंगा कि कितने नोड होने चाहिए। फिलहाल मेरा जो डिस्कशन था वो यही था कि मैं आपको ये बता सकूं कि साहब इनपुट लेयर में कितने नोड होंगे। अब यही चीज यहां पे समझिए, मान लीजिए न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हमें किसी इमेज को प्रोसेस करना है। अभी तक तो मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दिया कि सब चार फीचर हैं तो चार नोड ले लो, दस फीचर हैं तो दस नोड ले लो, सौ फीचर हैं तो सौ नोड ले लो, हजार फीचर हैं तो हजार नोड ले लो। अगर इमेज है हमारे पास, हमें इमेज प्रोसेसिंग करनी है डीप लर्निंग के थ्रू, राइट, तो हम लोग जो है एक इमेज हमने ली है, राइट, लेट्स से इस इमेज की विड्थ है 50x60, राइट, सो इट हैज 50 रोज एंड यू नो 60 कॉलम्स। एक इमेज हमने ले ली है, राइट, सो अगर इमेज हमें इनपुट में देनी है तो आपके इनपुट लेयर में उतने नोड होने चाहिए जितने इमेज में पिक्सल्स हैं। इसका मतलब इमेज का हर पिक्सल एज ए इंडिपेंडेंट फीचर की तरह काम करेगा और हर पिक्सल को रीड करने के लिए आपके पास एक नोड होना चाहिए। अगर हम इस इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट इमेज मान लें तो 50x60 इतने पिक्सल्स इसमें होंगे। सो 50x60 का क्या मतलब हो गया? 6×30, राइट, सो इतने, सो टोटल पिक्सल इस इमेज के अंदर कितने निकले? 3000 पिक्सल्स निकले इस इमेज के अंदर। इसका मतलब इनपुट लेयर में कितने नोड होने चाहिए? यू शुड हैव 3000 नोड्स इन योर इनपुट लेयर, बिकॉज़ एवरी पिक्सल करस्पॉन्ड्स टू अ सिंगल नोड इन योर इनपुट लेयर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। अब सवाल क्या है जो रजनी मैम ने पूछा भी है मुझसे कि हाउ मेनी नोड इन आउटपुट लेयर, आउटपुट लेयर में कितने नोड रखें। अब सवाल हमारा शिफ्ट हो गया है। अभी तक हम किसके ऊपर थे? अभी तक तो डिस्कशन का एक पॉइंट था कि साहब ये बताओ इनपुट लेयर में कितने नोड रखने। और नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन
कि इनपुट लेयर में कितने नोड होने चाहिए. नाउ आई एम मूविंग माई डिस्कशन टू डिस्कस कि आउटपुट लेयर में कितने नोड्स होने चाहिए. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कॉन्सेप्ट. वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट अगेन. आपने ये चीज समझ ली तो आगे की डीप लर्निंग की कहानी बहुत आसान है. उसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. तो अब हम लोग चीजों को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हमने क्या डिसाइड किया है. नाउ वी आर वांट टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ नोड्स इन आउटपुट लेयर. अब यहां पे आपकी समझ काम आएगी. सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम रिग्रेशन प्रॉब्लम है या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है. समझ में आया? प्रॉब्लम के हिसाब से ही ये डिसाइड होगा कि आउटपुट लेयर में कितने नोड होने चाहिए. यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो वो रिग्रेशन प्रॉब्लम है, मतलब आपको रिग्रेशन परफॉर्म करना है, या क्लासिफिकेशन परफॉर्म करना है. आप कहते हो कि साहब मुझे तो रिग्रेशन परफॉर्म करना है. इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म रिग्रेशन, अ सिंगल नोड, राइट, सिंगल नोड इन आउटपुट लेयर इज रिक्वायर्ड इन आउटपुट. क्यों? क्योंकि रिग्रेशन में होता क्या है, आपको पता ही है, रिग्रेशन के अंदर हम किसी वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं. एक सिंगल वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए एक नोड काफी है. तो हमारा आउटपुट लेयर में सिर्फ एक नोड होना काफी है इफ यू आर परफॉर्मिंग अ रिग्रेशन. दैट्स इट. इफ यू आर परफॉर्मिंग ए रिग्रेशन, यूज सिंगल नोड, वन नोड इन योर आउटपुट लेयर. दैट्स इट. उसके बाद कहानी यह बदल जाएगी जब आप कह रहे हो कि साहब मुझे तो क्लासिफिकेशन परफॉर्म करना है. आई हैव टू परफॉर्म क्लासिफिकेशन, राइट. सो क्लासिफिकेशन में अब आगे पॉइंट आता है कि आपकी क्लास जो है, कैटेगरीज हैं, वो कितनी है. आपको कितनी कैटेगरीज प्रिडिक्ट करनी है, आपको ए बी सी कितनी कैटेगरीज प्रिडिक्ट करनी है. जैसे विन और लॉस की बात करें तो दो ही कैटेगरी है. पास और फेल की बात करें तो दो ही कैटेगरीज है, राइट. अगर दो ही कैटेगरीज होती हैं, सिर्फ टू कैटेगरीज हैं, तो उसको तो कहते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन. और दो से ज्यादा हो जाते हैं, मोर देन टू, तो उसको कहते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन. मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन. अगर आपकी प्रॉब्लम बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, जैसे आपको इमेज में सिर्फ प्रिडिक्ट करना है कि कैट है या डॉग है, तो कैट एक कैटेगरी हो गई, डॉग एक दूसरी कैटेगरी हो गई, तो दो ही कैटेगरी हुई, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन है. आपको प्रिडिक्ट करना है कि मेल या फीमेल है, राइट, तो फिर से बाइनरी क्लासिफिकेशन. अगर आपको बाइनरी क्लासिफिकेशन परफॉर्म करना है तो आउटपुट लेयर में सिंगल नोड से काम चल जाएगा. सिंगल नोड क्यों? क्योंकि अगर सिंगल नोड से क्यों पता चल जाएगा, अगर वो हाई है तो एक क्लास को रिप्रेजेंट कर देगा और लो है तो दूसरी क्लास को रिप्रेजेंट कर देगा. हाई मतलब वो वन दे रहा है और लो मतलब वो जीरो दे रहा है, राइट. तो सिर्फ एक ही नोड से, जैसे होता है ना, हम टॉर्च को यूज करके ही बता देते हैं कि भाई हाँ या ना, टॉर्च ऑन हो गई तो हाँ, टॉर्च ऑफ हो गई तो ना, राइट. उसी तरीके से मेरा सिंगल नोड से ही बाइनरी क्लासिफिकेशन पॉसिबल हो जाएगा. बट ऐसा नहीं है कि बाइनरी क्लासिफिकेशन में सिंगल नोड ही यूज हो सकता है. दो नोड ले लो. तो अगर आपने दो नोड लिए आउटपुट लेयर में तो क्या करना पड़ेगा? ए को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको वन कर देंगे, इसको जीरो. तो इससे तो ए का रिप्रेजेंटेशन हो गया कि साहब ए आया है प्रेडिक्शन. और अगर ये नोड जीरो होगा और ये वन हो जाए तो कह देंगे कि बी का प्रेडिक्शन आया है. तो ज्यादातर केस में बाइनरी क्लासिफिकेशन जो मैंने लिटरेचर में देखा है और यूज भी किया है, वो सिंगल नोड से काम चल जाता है, राइट. आप चाहें तो दो नोड भी काम में ले सकते हैं, बट जनरली लेते नहीं है. हाँ, मल्टी क्लास में, फॉर एग्जाम्पल, आपको कैटेगरीज प्रिडिक्ट करनी है तीन, ए बी और सी, तीन कैटेगरीज प्रिडिक्ट करनी है. तो ये तीन कैटेगरीज है तो आउटपुट में कितने नोड होंगे? तीन नोड होंगे. जितनी कैटेगरीज उतने नोड, ठीक है. और क्या बता रहे हैं कि साहब ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर ए आउटपुट में प्रिडिक्शन में ए आएगा तो कैसे आएगा? ये तो हो गया वन,
ये जीरो ये भी जीरो, बी आएगा तो कैसे आएगा प्रेडिक्शन में कि साहब ये जीरो ये वन और ये जीरो, और सी कैसे आएगा प्रेडिक्शन में कि साहब सी प्रेडिक्शन तब माना जाएगा जब ये नोड तो जीरो हो, ये नोड भी जीरो हो और यह नोड हाई हो जाए। तो इस तरीके से हमने ये प्रेडिक्शन निकाले। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एग्जैक्टली हमने ये कैसे डिसाइड किया कि आउटपुट लेयर में कितने नोड होने चाहिए। आउटपुट लेयर में नोड का डिसीजन जो है वो इस पॉइंट से निकल के आता है कि आप रिग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो या क्लासिफिकेशन। इफ यू आर परफॉर्मिंग रिग्रेशन ऑन द डेटा यू ओनली नीड अ सिंगल नोड इन द आउटपुट लेयर, राइट। एंड अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है जहां पे आप किसी कैटेगरी को प्रिडिक्ट करने वाले हैं तो भी वहां पे फिर से थोड़ा सा डिस्कशन दो हिस्सों में डाइवर्ट हो जाता है। एक हिस्सा तो कहता है कि अगर ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है वन नोड इज एनफ, उसी के थ्रू हम काम चला लेंगे, और अगर इट इज ए मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन दैट मींस यू हैव टू प्रिडिक्ट मोर देन टू कैटेगरीज, देन इट इज माना जाता है कि आपको उतने नोड लेने चाहिए जितने आपके कैटेगरीज हैं, यूनिक कैटेगरीज हैं, उतने नोड आपको लेने चाहिए। तो क्या सभी को ये क्लियर हुआ कि आउटपुट लेयर में नोड का काउंट कैसे डिसाइड होता है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो दीप्ति मैम का कहना यस, रजनी मैम का कहना यस, नीश सर का कहना यस, ओके अंजलि मैम यस कह रही हैं। अब एक सवाल बचा है, वो सवाल क्या है आप बता सकते हैं? क्या सवाल बचा है? इनपुट लेयर में कितने नोड होने चाहिए, डिस्कशन हो गया कि साहब उतने होने चाहिए जितने फीचर। फिर दूसरा डिस्कशन हो गया कि आउटपुट लेयर में कितने नोड होने चाहिए, वो डिस्कशन भी पूरा हो गया हमारा। अब एक और बात बची हुई है नंबर ऑफ नोड से रिलेटेड, वो किसके बारे में है? यस, सो अंजलि मैम का कहना है कि अब हमें ये भी देखना चाहिए, रजनी मैम का भी कहना है, हिडन नोड नहीं होता है रजनी मैम, हिडन लेयर लेयर, ओके अच्छा आपने लेयर लेयर यूज किया है। सो जो हिडन लेयर में कितने नोड होने चाहिए, राइट हिड। अब हमारा जो तीसरा डिस्कशन है वो किस पे आ गया है? तीसरा डिस्कशन ये हो गया है कि साहब हिडन लेयर में कितने नोड्स रखें। So now the point is number of nodes in hidden layer. So that is our next point of discussion. पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जहां पे इनपुट लेयर में और आउटपुट लेयर में नंबर ऑफ नोड्स फिक्स्ड हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से वो काउंट लॉक हो जाता है कि भाई इतने ही नोड ले सकते हो, नंबर ऑफ नोड्स इन अ हिडन लेयर वो एक फिक्स काउंट नहीं है, इट इज नॉट ए फिक्स नंबर। पहली चीज क्या क्लियर होनी चाहिए आपको कि हिडन लेयर में कितने नोड लें ये एक फिक्स काउंट नहीं है, पहली चीज। तो हाँ एक जनरलाइजेशन जरूर है कि हिडन लेयर में कितने नोड लेने चाहिए, हिडन लेयर में नोड लेने चाहिए लगभग कितने 2/3 ऑफ नोड्स इन इनपुट लेयर, नोड्स इन इनपुट लेयर प्लस नंबर ऑफ नोड्स इन आउटपुट लेयर। सो नंबर ऑफ नोड्स इन आउटपुट लेयर, ये एक थंब रूल है, कोई फिक्स नहीं है, बट जनरलाइजेशन से इधर उधर के लिटरेचर को रेफर करने से, स्टैक ओवरफ्लो पे चेक करने से, राइट तब पता चलता है जब आप देखते हो, रिसर्च करते हो कि नंबर ऑफ नोड्स हिडन लेयर में कितने लेने चाहिए, वो कैसे डिसाइड हो रहा है कि दैट नंबर शुड बी अराउंड 2/3 ऑफ टोटल नोड्स ऑफ इनपुट लेयर प्लस नंबर ऑफ नोड्स इन द आउटपुट लेयर। ऑल्सो नंबर ऑफ नोड्स इन द हिडन लेयर शुड बी ऑलवेज लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ नोड्स इन इनपुट लेयर, नंबर ऑफ नोड्स इन इनपुट लेयर।
क्या ये दो लॉजिक समझ में आए मैंने क्या बोला? कि एक जो बॉल पार्क नंबर है, जो एक एस्टिमेटेड नंबर है, जो ये बताता है कि लगभग कितने नोड आप रख सकते हो, क्योंकि अब फिक्स नहीं है, तो कितने नोड लगभग आप रख सकते हो, 2/3 नंबर ऑफ नोड्स इनपुट लेयर के और नंबर ऑफ नोड्स इन आउटपुट लेयर, इन दोनों का जो सम आएगा, दैट शुड बी यू नो काइंड ऑफ ए वैल्यू दैट यू कैन यूज एज ए नंबर ऑफ नोड्स इन द हिडन लेयर, एंड हिडन लेयर में जितने भी नोड्स होने चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू यू नो दैट शुड बी लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ नोड्स इन द आउटपुट लेयर. मनीष सर का एक सवाल आया है कि साहब व्हाई 2/3? जनरली मनीष सर ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया, कोई फिक्स लिटरेचर नहीं है. पहली चीज तो कोई फिक्स लिटरेचर ऐसा नहीं है कि जो एग्जैक्टली मुझे नंबर ऑफ इन नोड्स इन हिडन लेयर का काउंट दे दे, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना है, पहली चीज तो ठीक है. दूसरा, लोगों ने ऑब्जर्व किया, लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व की और यू नो अपने आर्किटेक्चर में चेंजेस किए कि इस नोड नंबर ऑफ नोड से कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इतने नंबर ऑफ नोड्स कैसे आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर एक मोटा मोटा फिगर निकाल के लेके आए कि अगर 2/3 का काउंट अगर हम रखें तो वी ऑलवेज गेट ए गुड आर्किटेक्चर टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम. दैट इज द कॉन्सेप्ट आई नो. हो सकता है इसके आगे की कहानी भी हो मनीष सर, मैं अपने आप को ये नहीं कहूंगा कि ये यही फाइनल वर्डिक्ट है, बट जहां तक मेरी नॉलेज है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं. मनीष सर विदाउट बेस नहीं है, क्योंकि बेस का सिंपल जो एक जनरलाइजेशन निकला है, क्योंकि हिडन लेयर का नोड का काउंट कोई फिक्स नहीं है, बट उसका जो जनरलाइजेशन ऑब्जर्वेशन से जनरली कई बार हम एक इन्फरेंस कर लेते हैं कि व्हेन यू वर्क ऑन यू नो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स तो देन यू गेट आइडिया एग्जैक्टली राइट कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, तो फिर उसके अराउंड एक रफ आइडिया एक हम लोग लगाने लग जाते हैं कि यार मोटा मोटा इस तरीके का एक नंबर हम रख लें तो हमारा काम हो जाएगा. तो वो उसी तरीके का एक फिगर निकल के आया है जिसके पीछे कोई एग्जैक्ट मैथ मैंने अभी तक नहीं पकड़ी है एग्जैक्टली. वो सिर्फ लोगों का एक सजेशन, लोगों का एक ऑब्जर्वेशन है. मनीष सर मनीष सर का कहना है कि सर अभी भी थोड़ा मुझे क्लियर नहीं है कि इस तरीके की चीज कैसे हो रही है. हो सकता है कुछ और डिस्कशन हम लोग कॉल पे कर सकते हैं मनीष सर, फोन पे बात कर सकते हैं इसके बाद, तो हो सकता है कि आपको और मैं क्लैरिटी दे सकूं. तो इस तरीके से तीन डिस्कशन हमने किए, जिसमें एक डिस्कशन ये था कि इनपुट लेयर में कितने नोड होने चाहिए, वो अब आपको क्लियर है कि नंबर ऑफ फीचर्स इन द डेटा सेट राइट, उतने आपके नोड इनपुट लेयर में होने चाहिए. आउटपुट लेयर में कितने नोड होने चाहिए वो हमने बात कर ली है राइट, और उसके बाद हिडन लेयर में कितने नोड होने चाहिए वो हम बात कर चुके हैं. तो अगर हम अब एक पूरा एक कंप्लीट पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें कि किस तरीके से चीजों का कनेक्शन यहाँ पर होता है, तो वो कुछ इस तरीके से हो गया कि लेट्स से इनपुट लेयर में हमारे पास चार नोड हैं. मैं अभी पूरा एक डायग्राम आपको बना देता हूँ. चार नोड हमारे इनपुट लेयर में, सो दिस इज अवर इनपुट लेयर, एंड लेट्स से देन वी हैव ए हिडन लेयर. सो ये हमारी लेट्स से हिडन लेयर हो गई, और लेट्स से ये हमारा आउटपुट लेयर हो गया. सो दिस इज अवर आउटपुट लेयर. ठीक, तो ये कनेक्शन किस तरीके से होते हैं समझिए जरा इसको, कि इस नोड का भी एक वेट होगा, एक बायस होगा. इस नोड का भी एक वेट होगा, बायस होगा. इस नोड का भी एक वेट होगा, एक बायस होगा. इस नोड का भी एक वेट है, बायस है. इस नोड का भी वेट, बायस. हर नोड का एक सेपरेट वेट और बायस है. पहली चीज तो इस नोड का जो भी आउटपुट है वो इसको भी इनपुट जाता है, इसको भी इनपुट जाता है,
इसको भी इनपुट जाएगा, तीनों को, ठीक है। दूसरा इसका जो आउटपुट है वो यहां पे भी जाता है, वो यहां पे भी जाता है। ओके सो लेट मी कनेक्ट अगेन, तो यहां पे और यहां पे, सो मतलब इसका आउटपुट विल गो टू एवरी नोड इन द नेक्स्ट लेयर, राइट। तो इस तरीके से देन वी हैव दिस कनेक्शन, देन वी हैव दिस कनेक्शन, देन वी हैव दिस कनेक्शन एंड द सेम फॉर दिस नोड एज वेल, दिस हियर, दिस हियर, दिस हियर। तो आपने देखा होगा यहां पे हर इनपुट नोड हर आउटपुट नोड से कनेक्टेड है, राइट। इस तरीके के न्यूरल नेटवर्क को हम कई बार फुल्ली कनेक्टेड या डेंस नेटवर्क भी कहते हैं, डेंस या फुल्ली कनेक्टेड। यही चीज आगे भी होगी, इसका आउटपुट यहां पे भी, यहां पे भी, इसका आउटपुट यहां पे भी, यहां पे भी, इसका आउटपुट यहां पे भी और यहां पे भी। तो ये भी फुल्ली कनेक्टेड है, ये भी फुली कनेक्टेड है, डेंस है। तो ये एक तरह से, और अब यहाँ पे फिर हमें प्रेडिक्शंस मिलने लग जाएंगे। यहाँ पे डेटा है हमारा, तो इधर वी हैव अ डेटा हियर एंड देन वी हैव द प्रेडिक्शंस, राइट। तो ये एक मोटा मोटा हमारा न्यूरल नेटवर्क का एक जेनेरिक आर्किटेक्चर है जो मैंने आपको दिखाया है और मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से इसको हम लोग फुली कनेक्टेड या डेंस नेटवर्क भी कहते हैं। क्या ये चीज समझ में आई जो मैंने डायग्राम फिलहाल आपको क्लियर किया कि किस तरीके से इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर में डेटा जा रहा है और किस तरीके से काम हो रहा है? क्या ये लॉजिक समझ में आया? तो रिचा मैम का कहना है यस, मनीष सर का कहना है यस। ओके सो आज बहुत सारे टर्म्स मैं डीप लर्निंग में यूज करने वाला हूँ। तो अच्छी बात है कि सब लोग साथ साथ चल रहे हैं, सो दे कैन अंडरस्टैंड नाउ। अब एक दो चीजें और अभी बची हुई हैं हमारे डीप लर्निंग के केस में। जनरली हम एक रियल एग्जांपल से थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। सो आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड, सो Taking a new example now. देखिए यहां पे हम एक हमारे पास एक टेबल है, so we have a table here. ठीक, इस टेबल के यहां पे कोने पे एक बॉल रखी हुई है, बॉल, so we have a ball here. ठीक, and then ये हमारे यहां पे कुछ कार्डबोर्ड्स खड़े हैं, so these are some cardboards here. So here, one cardboard here, and one cardboard here. ऐसे, ठीक। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, क्या खेल खेलने वाला। मैंने यहां से इस कार्डबोर्ड को धक्का दिया, तो मैंने थ्रस्ट दिया थोड़ा सा, इसको पुश किया यहां से, पुश। क्या होगा इससे? जैसे ही ये पुश होगा तो ये गिरेगा, ये गिरेगा तो इस लेयर पर गिरेगा जा करके, इसके बाद ये भी गिरेगा तो ये गिरेगा इस पे जा करके, ठीक है, इसके बाद ये गिरेगा तो इस पे जाके गिरेगा और फिर ये भी यहां पे गिरेगा और यहां गिरते 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 यहां तक पहुंचा। यहां पहुंचा तो आपने देखा ये बॉल को टच नहीं कर रहा है, अगर ये बॉल को टच कर जाता तो ये बॉल यहां नीचे गिर जाती, ये ड्रॉप हो जाती, तो पॉसिबल ही नहीं हुआ, अभी तो गिरा ही नहीं है। हमें यह बॉल गिरानी है, एक्चुअल गेम ये है। तो क्या करेंगे? तो आप कहोगे कि सब एक काम करते हैं, क्योंकि ये वाला कार्डबोर्ड आगे मेरी बॉल को टच नहीं कर रहा है, तो एक काम करते हैं इस कार्डबोर्ड को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं। सो नाउ माय कार्डबोर्ड इज शिफ्टेड लिटिल बिट, थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया इसको आगे। बट आप देखोगे जैसे ही मैंने इस कार्डबोर्ड को शिफ्ट किया है, अब ये वाला कार्डबोर्ड जो इसके जस्ट पीछे है वो अब इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि ये दूर चला गया है और वो गिरेगा तो पहले ही गिर जाएगा, वो इसको टच नहीं करेगा तो आगे वो भी नहीं गिरेगा। तो कहेंगे कि सब चलो काम करते हैं, फिर इस कार्डबोर्ड को भी थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं, करस्पॉन्डिंगली सेम, राइट, और करस्पॉन्डिंगली सेम। फिर से हमने पुश किया, पता लगा कि इस बार गिरा तो है लेकिन थोड़ा सा रह गया, अभी भी बॉल पे नहीं लगा है, तो बोला कि चलो एक बार और करते हैं थोड़ा सा शिफ्ट आगे। तो फिर से हमने इस कार्डबोर्ड को थोड़ा शिफ्ट, तो हर बार हम इन कार्डबोर्ड्स को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करते जा रहे हैं, और कब तक शिफ्ट करते रहेंगे?
जब तक कि हमारा ये वाला जो आउटपुट वाला जो कार्डबोर्ड है, फाइनल कार्डबोर्ड है, वो इस बॉल को हिट नहीं कर देता, रिजल्ट को अचीव नहीं कर लेता है। ये जो एनालॉजी मैंने यहाँ पे आपको समझाई है, आप समझ सकते हैं कि ये जो कार्डबोर्ड है हमारे न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स हैं। सो दिस इज अवर इनपुट लेयर, हिडन लेयर, हिडन लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर, राइट। और बेसिकली हम ये जो शिफ्टिंग कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करके देखते हैं सो दैट इट कैन हिट द नेक्स्ट लेयर, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अपडेट वेट्स एंड बायस ऑफ अवर इनपुट लेयर्स, राइट। तो हर बार हम लोग क्या करते हैं टू अचीव द रिजल्ट, अचीव द रिजल्ट का मतलब हमें जो फाइनल अचीव करना है, जो प्रिडिक्शन, करेक्ट प्रिडिक्शन है, उसको अचीव करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लेयर का वेट और वाइस अपडेट करते हैं, करस्पोंडिंगली इसका, फिर इसका, फिर इसका, इस तरीके से ये जो प्रोसेस हुई है जिसमें हम स्टार्ट करते हैं आउटपुट लेयर से उसके वेट्स और वाइस को अपडेट करना और पीछे तक चलते जाते हैं, इस एक्टिविटी को न्यूरल नेटवर्क में कहते हैं बैक प्रोपोगेशन। सो बैक प्रोपोगेशन क्या है, एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू टू अचीव द फाइनल रिजल्ट, टू अचीव अ गुड स्कोर, टू अचीव करेक्ट प्रिडिक्शन ऑफ द नेटवर्क, वी कीप ऑन अपडेटिंग द वेट्स एंड बायसेस। और वो कब तक होता रहता है एक साइकिल में, जब तक कि हमें करेक्ट रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट नहीं हो जाते, इस प्रोसेस को हम लोग बैक प्रोपोगेशन कहते हैं। क्या आपको बैक प्रोपोगेशन समझ में आया कि क्या होता है? सुरेचा मैम, रजनी मैम, तो ये चीज बैक प्रोपोगेशन की थी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। और ये बैक प्रोपोगेशन कैसे काम करता है, उसके पीछे एक और कॉन्सेप्ट है। बेसिकली हमारे प्रिडिक्शन पुअर आ रहे हैं या करेक्ट आ रहे हैं, उसके लिए हम, आपको ध्यान है, हर एल्गोरिथम में क्या यूज करते हैं, एक लॉस फंक्शन या एक कॉस्ट फंक्शन को यूज करते हैं, राइट। तो यूजिंग बैक प्रोपोगेशन हमारा क्या टारगेट रहता है कि हम अपने लॉस को या कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। और ये एक बार में नहीं होता है, ये इटरेटिव प्रोसेस होती है, इसलिए बैक प्रोपोगेशन बार बार होता है और तब तक होता रहता है जब तक हम अपने लॉस फंक्शन को या कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज नहीं कर लेते। दिस इज बैक प्रोपोगेशन। सो बैक क्यों, क्योंकि डेटा तो फॉरवर्ड फीड हो रहा है, डेटा तो हमेशा इस डायरेक्शन में चलता है, यहां से गया, इसमें पहुंचा, इससे पहुंचा, लेकिन वेट्स का जो अपडेट होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में होता है, इसीलिए उसको बैक प्रोपोगेशन कहते हैं, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन नहीं है। क्लियर? एक इमेज के थ्रू और मैं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द लास्ट, सो दैट वी एवरीथिंग इज क्लियर इनटू दैट। देखिए, so this is a image, यहां पे देखिए आप क्या हो रहा है, यहां से डेटा आ रहा है इनपुट एक्स। सो दिस इज अवर इनपुट लेयर जो डेटा को रीड कर रही है, इस इनपुट लेयर ने नेक्स्ट लेयर को मैं डेटा फीड किया। सो यहां पे दो ही लेयर दिखाई गई है, पर दो से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। इस लेयर के बाद हमें प्रेडिक्शंस मिलने लग गए, इन प्रिडिक्शंस को हमने अपने एक्चुअल रिजल्ट से मैच कराया। मैच कराने के लिए जो मॉडलिंग यूज की उसी को हमने लॉस फंक्शन कहते हैं। आपको ध्यान है हम ये जब करते थे कि जब प्रिडिक्शन निकाला फीचर टेस्ट के ऊपर, तो उन रिजल्ट्स को हम लेबल टेस्ट से कंपेयर करते थे, राइट, स्कोर निकालने के लिए। तो बेसिकली यही चीज हो रही है यहाँ पे, लॉस फंक्शन से हमने लॉस स्कोर निकाला। लॉस स्कोर अभी भी कम नहीं है, मिनिमाइज नहीं हुआ है, तो फिर हमने ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई किया। ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, इन वेट्स को अपडेट करता है, पहले इसका वेट अपडेट होगा, फिर इसका होगा। सो ये वेट अपडेट जो हो रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में, इसी को बैक प्रोपोगेशन कहते हैं। सो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन नेटवर्क, बिटवीन लेयर, बिटवीन लॉस फंक्शन, बिटवीन ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर का मतलब यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम से समझें,
ये ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम ही वो एल्गोरिथम है जो हमारे लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करती है। तो किन वेट्स और किस बायस के लिए लॉस फंक्शन मिनिमाइज हो रहा है, वही हमारे ऑप्टिमाइजर का काम है, और ऑप्टिमाइजर ही डिसाइड करता है कि वेट्स कितने से कम या ज्यादा होने चाहिए, कितने डेल्टा का चेंज उसमें होना चाहिए। क्या ये डायग्राम सबको समझ में आया? इज दैट क्लियर टू एवरीवन हाउ दिस इज वर्किंग? रजनी मैम ने कहा यस, निधि गौर मैम है, मनीष सर हैं। मनीष सर कौन से कॉलेज से हैं आप बताएं एक बार। सो अब आगे समझते हैं, आगे चलते हैं कि क्या कहानी है हमारी। एक और डिस्कशन इसमें लास्ट में बचा है टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ न्यूरल नेटवर्क, वो डिस्कशन है अराउंड एक्टिवेशन फंक्शंस। तो डिस्कशन अब किसका बचा हुआ, लास्ट में सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लेयर आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि नंबर ऑफ नोड्स कैसे डिसाइड करते हैं, मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज को कि किस तरीके से बैक प्रोपोगेशन होता है, वो बैक प्रोपोगेशन क्यों होता है उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ, राइट। और उसके लिए ग्रेडियंट डिसेंट या ऑप्टिमाइजर जिसको हम लोग कहते हैं वो किस तरीके से काम करता है, ये सारे डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पर काफी डिटेल में कर लिए हैं। अब हमारा एक जो लास्ट डिस्कशन जो बचा है फिलहाल, वो डिस्कशन इस बात पर बचा है कि हाउ टू यू नो डिसाइड अबाउट लाइक यू नो एक्टिवेशन फंक्शन, कि एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक डिस्कशन देख लेते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर ड्राइंग बोर्ड अगेन। देखिए हमारे लेयर आर्किटेक्चर के हिसाब से हमारे पास एक इनपुट लेयर है, एक हिडन लेयर है, एक जनरल आर्किटेक्चर बना रहा हूं बेसिक आर्किटेक्चर, और ये आउटपुट लेयर। सो ये हमारी इनपुट लेयर, ये हमारी हिडन लेयर, और ये हमारी आउटपुट लेयर। सबसे पहले बात करते हैं कि आउटपुट लेयर पर कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया जाए। क्यों? आपको ध्यान है मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था कि किसी भी नोड में आउटपुट जो आएगा वो कैसे डिसाइड होता है, एक्टिवेशन फंक्शन में क्या देना होता है, इनपुट इनटू वेट प्लस बायस, ये इक्वेशन हमारी थी, ठीक। सो एक्टिवेशन फंक्शन यहां पे क्या अप्लाई होना चाहिए, पहली चीज तो एक ध्यान रखिएगा, वेट्स और बायस हर नोड के इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन जनरल केसेस में एक्टिवेशन फंक्शन पूरी लेयर पे अप्लाई होता है। इसका मतलब उस लेयर में जितने भी नोड्स हैं वो सेम एक्टिवेशन फंक्शन को फॉलो करेंगे, राइट। तो हर नोड, जो भी नोड उस लेयर में है और उस लेयर पर जो भी आपने एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर दिया है वो सब पे अप्लाई होगा जितने भी नोड्स उस लेयर के अंदर हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सब आउटपुट लेयर में एक्टिवेशन फंक्शन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है, इफ इट इज ए रिग्रेशन प्रॉब्लम, यू डू नॉट नीड एनी एक्टिवेशन फंक्शन इन आउटपुट लेयर। सिर्फ आउटपुट लेयर के बारे में बात कर रहा हूं, अभी बाकी तो मैं कहीं गया ही नहीं, राइट। सो रिग्रेशन के केस में आपको किसी भी एक्टिवेशन फंक्शन की जरूरत नहीं है, इफ इट इज अ रिग्रेशन। अगर ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है, इफ इट इज ए बाइनरी क्लासिफिकेशन जहां पे आपको एक नोड चाहिए होता है टू परफॉर्म द प्रिडिक्शन,
यू यूज ए एक्टिवेशन फंक्शन कॉल्ड सिग्मॉइड. अभी भी डिटेल नहीं बताइए बट मैं नाम ले रहा हूं, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं. एंड इफ इट इज ए मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन देन यूज ए एक्टिवेशन फंक्शन कॉल्ड सॉफ्ट मैक्स. मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं, अभी इंटरनल अभी इनके में गया नहीं हूं ज्यादा. तो क्या क्या हो गया आउटपुट लेयर में, तीन डिस्कशन के पॉइंट आ गए कि साहब अगर रिग्रेशन है प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो आपको आउटपुट लेयर में किसी भी एक्टिवेशन फंक्शन की जरूरत नहीं, पहली चीज. अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो यू नीड अ सिग्मॉइड, ठीक है. एंड इफ इट इज ए मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन यू नीड अ सिग्मॉइड सॉफ्ट मैक्स. तो ये तीन एक्टिवेशन फंक्शन जहां पे सॉफ्ट मैक्स आ गया मल्टी क्लास के लिए, सिग्मॉइड आ गया बाइनरी के लिए, और नो एक्टिवेशन फंक्शन आ गया रिग्रेशन. पहली चीज, मोस्ट ऑफ द केसेस में हिडन लेयर पर, मोस्ट ऑफ द केस, ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही होना चाहिए, नहीं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, हिडन लेयर पे जो एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है वो अप्लाई होता है रेलू नाम का एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है. रेलू क्या काम करता है वो आज नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ मैं नाम का रजिस्ट्रेशन आपके दिमाग में कर रहा हूं, कल डिस्कस कर लेंगे कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या कर रहा है रेलू. सो रेलू इज काइंड ऑफ अ डिफॉल्ट एक्टिवेशन फंक्शन फॉर हिडन लेयर, ठीक है. अब लास्ट में एक डिस्कशन आता है कि साहब इनपुट लेयर पे कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन काम करता है. देयर इज नो एक्टिवेशन फंक्शन एट इनपुट लेयर, नो एक्टिवेशन फंक्शन. सो फिर क्या क्या डिस्कशन हो गया, वापस से समराइज कर लेते हैं. आउटपुट लेयर में कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे, उसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि रिग्रेशन है या क्लासिफिकेशन है. इफ इट इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम यू डोंट नीड एनी एक्टिवेशन फंक्शन ऑन द आउटपुट लेयर. इफ इट इज अ बाइनरी क्लासिफिकेशन यू आर गोइंग टू यूज अ सिग्मॉइड एक्टिवेशन. इफ इट इज अ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन यू आर गोइंग टू यूज अ सॉफ्ट मैक्स. हिडन लेयर में बाय डिफॉल्ट रेलू आता है बट यू कैन अप्लाई अदर एक्टिवेशन फंक्शंस एज वेल, बट रेलू के काम काफी ठीक है. सो जनरली आई गोन थ्रू रेलू एज द एक्टिवेशन फंक्शन फॉर हिडन लेयर्स एंड इनपुट लेयर डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन. तो इस तरीके का हमारा एक मोटा मोटा जो है आज डिस्कशन रहा, जिसमें हमने ये चीज डिस्कस की कि कोई भी न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, कैसे लेयर्ड आर्किटेक्चर काम करता है, कैसे लेयर के अंदर नोड्स डिसाइड होते हैं, नोड का फंक्शनैलिटी कैसे जो है डिसाइड हो रहा है, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, क्या वेट है, क्या बायस है, क्या एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, राइट. और ये चीज हमने यहाँ पे, फिर नंबर ऑफ नोड्स कितने होने चाहिए इनपुट लेयर में आउटपुट लेयर में, वो हमने सारी चीजें यहाँ पे देखी, राइट. और फिर किस तरीके से ये डिसाइड होता है कि विच एक्टिवेशन फंक्शन वी हैव टू यूज गिवन द प्रॉब्लम, और फिर बैक प्रोपोगेशन क्या है, ऑप्टिमाइजर क्या है, लॉस फंक्शन का किस तरीके से रिलेशन निकल के आ रहा है, ये सारी चीजें कहानी हमने समझने की कोशिश की है. आई होप आप लोगों को एक ओवरऑल हाई लेवल का पिक्चर क्लियर हुआ होगा डीप लर्निंग से रिलेटेड, कि डीप लर्निंग में किस तरीके से चीजें हो रही हैं, कैसे डेटा प्रोसेस होता है, कैसे जो है एक दो और डेफिनेशन अभी मेरी बाकी हैं जिनको मैं कल डिफाइन कर दूंगा, राइट. जब हम यूज करेंगे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, राइट, जब हम यूज करेंगे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे डीप लर्निंग के थ्रू, तो वो चीज हमारी यहाँ पे हुई है कि किस तरीके से हमने इसको यूज किया है. एज ए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है आज न्यूरल नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर है. मेरा मानना है कि काफी लोगों को पहले से भी काफी चीजें पता होंगी जो लोग ऑलरेडी इस एरिया में काम कर रहे हैं. बताएं, फीडबैक दें कि आज का जो डीप लर्निंग से रिलेटेड जो भी डिस्कशन हुआ है वो आपको समझ में आया है, या उसमें कोई सवाल है या कोई डाउट है, तो आप वापस से मुझे बता सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर दैट अगेन. प्लीज बताएं. फैकल्टी मेंबर्स एक बार फीडबैक दीजिए प्लीज. मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार बताएं कि डीप लर्निंग का जो आज डिस्कशन हुआ है वो क्लियर है या उसमें कुछ डाउट है. अगर आप मुझे बताएंगे कि कुछ डाउट है तो
तो मैं कल वाले सेशन में उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अंजलि मैम का कहना है कि थोड़ा सिग्मोइड या सॉफ्टमैक्स वाला रिपीट करें। मैम ये कल मैं आते ही सबसे पहले जो सेशन होगा उसमें हम लोग सिग्मोइड और सॉफ्टमैक्स की बात करेंगे। अंजलि मैम आज मैंने सिर्फ नाम रजिस्टर कराया, इंटरनेट डिटेल्स अभी नहीं बताई है, इंटरनेट डिटेल मैं कल बताऊंगा। ऋचा मैम का कहना है कि अभी तक क्लियर है। रियलमी एक्स उन्होंने भी यस कहा है मुझे। रजनी मैम का कहना है क्लियर। सो एक अनाउंसमेंट है आप सभी फैकल्टी मेंबर्स के लिए। सुरेंद्र जो इस पूरे इवेंट का कोऑर्डिनेटर है वो आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक लिंक शेयर करेंगे। गूगल का फॉर्म है बेसिकली वो आपको भरना है जिसमें आप अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन, अपने कॉलेज का नाम क्लियरली भरें, उसमें कोई टाइपो या कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, जिससे कि जो सर्टिफिकेट्स आपके बनने वाले हैं, बिकॉज इस बार जो सर्टिफिकेट बनेंगे वो हम लोग हार्ड कॉपी में प्रिंट करके देने वाले हैं, आपको इस बार प्रिंटेड कॉपी उसका मिलने वाला है। तो जब वो नाम प्रिंट होगा तो वो हम जो नाम उठाएंगे वो आपके गूगल फॉर्म की डिटेल से उठाएंगे कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, किस कॉलेज से है, आपका नाम जो है वो आप फॉर्म जरूर भर दें, सो दैट हम आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी जो प्रोसेस है प्रिंटिंग का वो स्टार्ट करवा दें। अंजलि मैम का एक सवाल आया है जहाँ कह रही हैं कि वन डाउट, वी हैव अनसुपरवाइज्ड न्यूरल एल्गो सो दे कैन यूज फॉर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ओनली। सो अनसुपरवाइज्ड न्यूरल नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर है अंजलि मैम वो तो वही रहेगा जो हमने सुपरवाइज के केस में देखा कि इनपुट लेयर है, फिर हिडन लेयर्स है, देन आउटपुट लेयर है। ये लेयर्ड आर्किटेक्चर सुपरवाइज में भी ऐसे ही काम करता है, अनसुपरवाइज में भी काम करेगा ऐसे ही। बस अनसुपरवाइज में जो डिफरेंस आ जाता है कि यू डू नॉट हैव लेबल डेटा, राइट? आपके पास लेबल नहीं है तो सिर्फ आप उसके थ्रू ग्रुपिंग ऑफ द डेटा, राइट, या इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। आर्किटेक्चर में कोई अंतर नहीं है, आर्किटेक्चर रिमेन्स द लेयर्ड आर्किटेक्चर। सो सुपरवाइज हो चाहे अनसुपरवाइज हो, जो न्यूरल नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर है वो इस तरीके से ही काम करेगा। आई थिंक आपका ये सवाल था अंजलि मैम, या मैंने गलत समझ लिया, वो बताएं एक बार मुझे। अनसुपरवाइज वाली जो एल्गो होंगी ऑब्वियसली उनको अनसुपरवाइज के लिए ही यूज किया जाएगा अंजलि मैम। क्योंकि लेबल नहीं है हमारे पास, या तो लेबल है तो उनको जरूर हम लोग फिर अनसुपरवाइज से सुपरवाइज वाले जोन में लेके आ सकते हैं। अंजलि मैम हो सकता है आप मुझे कॉल करके थोड़ा सा डिस्कशन आप मुझे बताएंगा तो मैं समझने की कोशिश करूंगा कि आप एग्जैक्टली अभी क्या करना चाहते हैं, तो शायद मैं आपको सही से कुछ बता सकूं। अगर हम कॉल पे बात करेंगे तो आई थिंक इट वुड बी गुड कि एग्जैक्टली आप क्या करना चाह रही हैं एंड प्रोबेबली आई कैन आंसर योर क्वेश्चन। तो अंजलि मैम को कहना है कि उनका कोई एनएलपी डिस्कशन, हाँ वो मुझे आप कॉल करके जो है बता सकती हैं, सो वी कैन डिस्कस ओवर द कॉल। सो फैकल्टी मेंबर्स आज का सेशन कैसा रहा बताएं, आज का सेशन समझ में आया नहीं आया, क्या रहा आज का, या नींद आ गई बीच में?
एनवाईसी अच्छा मैम न्यू एज फैकल्टी हैं तो एनवाईसी लिखा है उन्होंने नाइस शॉर्ट फॉर्म है सो सुनीत गुप्ता सर हैं उनका कहना था कि इट वाज फाइन थैंक यू सुनीत सर सुनीत सर कौन सा कॉलेज है आपका कोची मैम का कहना है डन गुड गुड ओके Realme X मोदी से हैं सुनीत सर रुचि मैम का कुछ कहना है कि SGVU SGVU कौन सा कॉलेज है मैम शिखा मैम है शिखा मैम को तो मैं जानता हूँ शायद अच्छा ज्ञान विहार ओके ओके सुरेश ज्ञान विहार ओके रुचि मैम राइट हाँ 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 गॉट इट ठीक है सो तो कल हमारा एक लास्ट सेशन है इस पूरे इवेंट का और कल हम अपनी सारी चीजों को क्लोज करेंगे तो डीप लर्निंग का एक रियल एग्जांपल मैं लूंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा कोड दिखाऊंगा मैं आपको और उसके लिए हम लोग गूगल का जीपीयू वगैरह कैसे यूज करते हैं गूगल का कोलैब कैसे यूज करते हैं वो हम लोग देखेंगे कल और उसी के थ्रू हम लोग एक रिग्रेशन एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग डीप लर्निंग तो बताएंगे कि कोड के थ्रू आप कैसे डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क कैसे क्रिएट कर सकते हो कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी लेयर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सारी चीजें और फिर कल थोड़ा ज्ञान जो है वो रहेगा एक तो पीसीए के ऊपर डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक और थोड़ा सा क्विक इंट्रोडक्शन अराउंड रिकमेंडेशन इंजन तो ये तीन चीजें हमारी जो है कल के लिए फाइनल रहेंगी और उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन होगा तो रिसेंटली हमने हमारी जो एकेडमी है कोडिंग स्कूल उसकी साइट को भी लॉन्च किया है जैसे एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ fastcodingschool.com सो आप चाहें तो वहाँ पे विजिट कर सकते हैं यू मे फाइंड सम इंटरेस्टिंग डिटेल्स देयर सो ये हमारा प्रमोशन एक्टिविटी मान लीजिए आप सो मैं आपको जो लिंक दे रहा हूँ So this is the new site we have and recently in fact aaj Rajasthan Patrika mein bhi hame coverage mila hai so we were covered by Rajasthan Patrika as well Rajasthan Patrika ka jo city aata hai wo kaun sa patrika plus kehte hain usko sahi kya kehte hain so usne bhi hame coverage mila hai so तो चलिए आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं कोई सवाल बीच में आपका आया करे तो आप उसको चाहे तो व्हाट्सएप पे छोड़ सकते हैं ईमेल कर सकते हैं डिटेल्स आपके पास सारी हैं ही और कल वापस से 1 बजे मिलते हैं सी यू